ये कानूनी बोर्ड है, मगर हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हर जगह पे चौक पे बोर्ड लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है और उस पर लाखों रुपया खर्चा करते हैं। हमारा टैक्स का पैसा रास्ते पे गलत काम करने के लिए वापरा जाता है और उसमें हमारे म्यूनसिपालिटी, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उतने ही जवाबदार है। तो ये हमारी चीटिंग है, हमारे पब्लिक की चीटिंग हो रही है। यहाँ स्कूल नहीं देते, आपको क्या चाहिए? आपको स्कूल चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको रास्ता चाहिए, आपको फुटपाथ चाहिए, आपको प्लेग्राउंड चाहिए। ये कोई भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर के इसके बारे में बात नहीं करता है। आपको आता है बेवकूफ बनाते हैं, बोलते हम मस्जिद बनाएंगे, हम टेम्पल बनाएंगे और कुछ कुछ करेंगे, हम रास्ते को शोभीकरण करेंगे। अरे भाई, शोभीकरण हमारे हेल्थ से करो, हमको हॉस्पिटल में फ्री हेल्थ दे दो, हमारा बुद्धि से करो, हमको स्कूल दे दो, हमारे बच्चे को खेलने को जगह दे दो, इसको शोभीकरण बोलते हैं, ना कि आप हमारे लाखों करोड़ों रुपया शोभीकरण में डाल के उसमें से क्या होता है सभी को मालूम है। हमको बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये पैसा लूटने का एक जरिया है। ब्यूटिफिकेशन इज अ फ्रॉड ऑन द सिटीजंस ऑफ मुंबई। और आप जितने भी ये काम किए हैं उसके आपके परमिशन नहीं है। आपके यहाँ जो जो नूरबाग पे आपको दिखता है ना, वो सब स्टॉल वो गलत है। आपको जो मझगांव में सेल टैक्स के पास जो भी दिखता है वो गलत है। वो हमारे टैक्स के पैसे से हमको स्कूल नहीं देके, कॉलेज नहीं देके ऐसे पैसे बर्बाद कर दिया जा रहे हैं। आपको इस्माइल मर्चेंट के पास देखा है, वो जो जगह है वो पब्लिक को खड़ा रहने का जगह है क्रॉस करने के टाइम पे, उस जगह पे उन्होंने ये गैर कानूनी बांध के आपको रास्ते पे खड़ा रहना पड़ता है और आपके जीवन को धोखा तैयार करते हैं। क्या आप इसके खिलाफ आवाज उठाओगे? क्या आपके पास जो वोट मांगने आएंगे उनको पूछेंगे कि आपने रास्ते पे रीडिंग रूम किस हिसाब से बनाया, आपने फ्लावर बेड किस हिसाब से बनाया, आपने ट्रैफिक आइलैंड पे अपने पोस्टर्स बैनर्स किस हिसाब से लगाया, आपको कौन से कानून से अपना फोटो लगाने का अधिकार है? आप जो भी काम करते हो उसके लिए आपको हॉनरेरियम मिलता है, पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है, तो फिर आप अपने बोर्ड कौन से तरीके से लगाते हो? कानून में आपको बोर्ड लगाने का कोई भी सावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो आप अपने एडवर्टाइज किस हिसाब से करते हो? आप तो चुनके आए काम करने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए खुद का? ये सवाल आपको इसके आगे हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को पूछना है कि आप बोर्ड्स पे बैनर्स पे आप ये जो यहाँ लगाते हैं इनॉग्रेशन के अपना नाम डाला, अरे भाई तुम्हारा पैसा थोड़ी है। आप हमारा पैसा लेते हो, 100 रुपया खर्चा करते हो, 1000 रुपये का बिल बनाते हो और हमारे पैसे की बर्बादी करते हो। तो इसके आगे हमारा पैसा बचाना है कि नहीं बचाना है? यस। हमारा पैसा सिर्फ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल रास्ता फुटपाथ और प्लेग्राउंड, इसके लिए हमारा बेसिक एमिनिटीज, हमको जो मूलभूत कारण है वो ही चाहिए हमको। हमको एड़ा मत बनाओ, शुभीकरण के हिसाब से हमको आप एड़ा बना रहे हो। हमारा हॉस्पिटल का बिल आज लाखों करोड़ों रुपया हो रहा है, उसके बारे में सोचो। आप हर स्कूल को प्राइवेट बनाने की बात कर रहे हो, क्यों म्यूनसिपैलिटी अच्छे स्कूल नहीं दे सकते? आप अगर इलेक्शन में लड़के बोलते हो कि मैं हमको मुंबई को अच्छी तरह से करेंगे, तो आप अच्छे स्कूल क्यों नहीं दे पाते हो? आप अच्छे मार्केट क्यों नहीं दे पाते हो? आप अच्छे रोड और फुटपाथ क्यों नहीं दे पाते हो? इसका मतलब यह है कि आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि आप कॉम्पिटेंट है, हमको वोट दो। अगर आपको वोट मिलना चाहिए तो हमको ये बेसिक चाहिए, स्कूल कॉलेज। हम 50 बार इसको बोलते हैं, हमको स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, नौकरी चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, इसके बारे में ही बात करो। जो भी वोट करने पूछने आएगा उसके पास इतना ही बात करो कि आप इसके बारे में बात करो, आप हमको शोभीकरण ये करण वो करण नहीं चाहिए। कोई आपके बच्चे की जिंदगी आगे अच्छी होगी, नहीं तो आपके बच्चे रास्ते पे सिर्फ बर्तन धोते बैठेंगे, गाड़ी धोते बैठेंगे, टैक्सी ड्राइवर बनेंगे। अभी आपके हाथ में है, अगले इलेक्शन में किस तरह से आपको क्या करना है ये आपके हाथ में है। जब तक आप अपने नौकर को ये नहीं बताओगे कि आप जागरूक है, आपको समझता है वो आपको उल्लू बना रहे, तब तक आप उल्लू ही बनते रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी को कुछ सवाल पूछना है? आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पे गवर्नमेंट ने बोला है कि 7 लाख करोड़ का कर्जा है, 7 लाख करोड़। आज मैंने हाल ही में 40,000 करोड़ का फ्रॉड ओपन किया है, कोर्ट ने हमारे बाजू में आदेश दिया है, मगर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भाड़ा ये सब लोगों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में दावा दिया है।
अगर सुप्रीम कोर्ट में दावा, अगर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेंट बोलते कि ये गलत है, तो आज 35 लाख रुपया सिर्फ मुझे रोकने के लिए 35 लाख खर्चा किया, मुझे 40,000 करोड़ गवर्नमेंट को मिलने से रोकने के लिए माड़ा ने 35 लाख खर्चा किया। इस तरह से हमारा पैसे की बर्बादी हो रही है। हाल ही में अभी ईओडब्ल्यू में 3 लाख करोड़, कितना आंकड़ा किसको मालूम नहीं पड़ता, 3 लाख करोड़ माड़ा का चोरी है। अब उसकी इंक्वायरी चालू है। अगर ऐसे चोरी अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करने देंगे तो आप भिखारी रहेंगे। ये पैसा सिर्फ बड़े लोगों के पास जाएगा, इसलिए हमको फ्रॉड के खिलाफ आवाज उठाना है। जय हिंद।